चांदा ले आए आप? आप ही घर की प्रवीण ले कर ये क्या? आपकी सौतन आ चुकी है प्रवीण के महीने में। मैं सौतन ये सौतन को साथ में रखूंगी खुद सहेली बन के। लो जी देख तो आ चुके हो कि ये सौतन पक रहे हैं। आज है बहुत खास दिन। आज के दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो क्योंकि आज विलादत है अली अकबर अलैहिस्सलाम की। नवासा रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे अली अकबर की विलादत आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी चाची आ रही हैं बग्गा भाई के घर से। इस वाले घर जो हवेली में घर है वहाँ पर हमने जश्न मनाना है। किसी भी इवेंट पे जाना हो लेकिन मुझे खाना बनाकर ही जाना पड़ता है। मेरे मियाँ घर का खाना खाते हैं बहुत शौक से, तो मुझे सबसे पहले यही टेंशन लगी होती है और मैं बहुत जल्दी में खाना बना रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड जा रहे थे, वो एक शलवार कमीज लेकर आए थे उसको चेंज करवाना था हमने। जे डॉट पर हम गए और उन्होंने हमें वहाँ पर वीडियो बनाने नहीं दी। अच्छा भाई, हम जे डॉट पे आए और हमने पहले एक सूट लिया था, उन्होंने एक्स्ट्रा लार्ज लगा दिया, हमें गलती से एक्स्ट्रा लार्ज दे दिया। अंदर गए तो उन्होंने बोला कि आपका जो साइज है वो हमारे पास है नहीं, जब वैरायटी आएगी तब आप ले जाना। जब भी हम यहाँ से रोटियाँ ताजी लेते हैं तो मुझे हज़रत यूसुफ की फिल्म है ना, यूसुफ पैगंबर, वो याद आ जाता है। ज़ुलैखा कहती है ताजी रोटी की खुशबू कहाँ से आ रही है, और इतना मजा आता ना ये खुशबू सुन के मुझे। हम इस को अब कचनाल के साथ खाएंगे, मेरी सौतन के साथ। जश्न स्टार्ट होने में काफी देर थी, मुझे काफी टाइम मिल गया। मैं अपने हस्बैंड को खाना वगैरह देकर फारिग होकर वहां पहुंची, लेकिन फिर भी मुझे टाइम ज्यादा ही हो गया घर पर। मेरी चाची ने बोला जल्दी आ जाओ, देसी घी के हमने दिए जलाने हैं। स्टार्ट तो करें, ये हफ्ते में 5 बार तो पकती है हमारे घर। सबको ये नहीं करनी पड़ती, तो देख रहे हैं अपने घर में उसके बाद शुक्र अलहमदुलिल्लाह करके सबको खाए पिए। जल्दी कर रहता बड़ा है, थोड़ा अदरक चुकमा पा के ना मालूम आप पाँच दिन से गर्म है। जल्दी से खाना खाकर मैं ऊपर निकलने वाली हूँ और बहुत मुझे आवाज़ें दे रहे थे सब के अब आ जाओ, बहुत देर हो गई है। मेरी चाची बहुत ही इबादत गुजार हैं और मैं बचपन से उनको देखती आ रही हूँ। बहुत ही वो मौला के काम साफ सुथराई और नियत से करवाती हैं माशाल्लाह से, और आप उनके चेहरे को देखेंगे माशाल्लाह से, जिस एज में वो इस टाइम है माशाल्लाह से दादी भी बन चुकी हैं। आप देख रहे होंगे कितना ही खूबसूरत सेहरा सजाया है उन्होंने शहजादा अली अकबर का, और सब बहू बेटियां मिलकर देसी घी के दिए जला रही हैं। शहजादा कासिम अलैहिस्सलाम और अली अकबर अलैहिस्सलाम एक दिन के दूल्हा बने थे कर्बला में, लेकिन वहाँ पर मेहंदी वगैरह रस्म वगैरह कोई नहीं की गई थी। तो हम शिया इस तरह से सेहरा निकालते हैं, अरमान पूरे करते हैं जो नहीं हो सके अरमान पूरे, और बहुत ही आजजी से ख़ास तौर पे अली अकबर के जो सेहरा है ना इतनी ज़्यादा रिकत वाला होता है, वो हमें बहुत अजीज़ है। और अली अकबर अलैहिस्सलाम बीबी जैनब के यानी अपनी पुप्पो के बहुत ही लाडले थे, और वो इसलिए भी प्यारे थे क्योंकि वो हम शक्ल पैगंबर थे। अहले बैत को याद करने के लिए हमें किसी विलादत और या किसी मुहर्रम का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, खास करके मुझे। आपको पता ही होगा मेरे घर में औलाद नहीं है, और मैं उन माओं को याद करती हूँ जिन्होंने अपने इतने हसीन बच्चे कुर्बान किए कर्बला में। उनके सब्र को याद करके मैं अपने दिल को सुकून देती हूँ और सब्र करती हूँ। अकबर तुझे दूलोरिया जल्दी जल्दी हो जा जवा, सजदा करे कोनो मकान करके दुआ बोले अज़ा।
जुल्फों से ही चेहरा छुपा, झूला तेरा है मुझजा, आजी का तू है आसरा, हुस्न के किबरिया सो जा, आलिया के मुस्तफा सो जा, अकबर तुझे लैला की तस्बीह करे क्यों ना अकबर, अदाब तेरा शुक्रिया, शबीर जैसा ही तेरी वजह से है शोहर मुझे है मिला, जब से मुझे तू है मिला, कदमों में है अर्जे के करबला सो जा, तू रहेगा सदा सो जा, अकबर तुझे दूं लोरियां, जल्दी जल्दी हो जा जवान। लंगर रख सकते बेटे से बड़ा अकबर ला सकते लंगर किधर लंगर ओके बिस्मिल्लाह आज तो ना समझ आ जाएगा। अब तुम्हारे मामा तुमसे शेयर